अगर कोई औरत अपने शौहर की निगाह में काबिले एहतराम बनना चाहती है तो उसकी इज्जत करे और उसकी जानो माल की हिफाजत करे, उसकी मर्जी के मुताबिक चले। औरत को तख्त पर बिठा देने वाली चीज़ सिर्फ उसकी ज़बान है, अगरचे वो अपने शौहर, सास ससुर सबकी इज्जत अपने माँ बाप की तरह करे तो। और यही जबान औरत को दर दर की ठोकर खाने पर भी मजबूर करती है। औरत को आप जैसा बनाओगे वो वैसी बनेगी। अगर अच्छा कहोगे, उसकी तारीफ करोगे तो वो आपको अच्छी बनकर दिखाएगी, और अगर बुरा कहोगे, उसके हर काम में ऐब निकालोगे, गलत कहोगे तो वो आपको बुरी बनकर दिखा देती है। ना मर्द की निशानी ये होगी कि वो औरत को डांटेगा, गालियां देगा और उस पर हाथ उठाएगा, जबकि मर्द तो मर्द होता है, मर्द औरत को इज्जत देना जानता है। अगर औरत से कोई गलती हो जाए तो उसे डांटने की बजाय माफ कर देता है। औरत जिस मर्द को चाहती है तो अगर वो मर्द के साथ ताल्लुक बना ले तो उस बात में कभी भी शक नहीं है कि वो उससे निकाह के लिए भी ताल्लुक बनाती है और निकाह करने की ख्वाहिशमंद होती है, और मर्द को कहेगी कि निकाह कर लो मुझसे। जो मर्द औरतों में बैठने का आदि हो तो समझ जाना वो एक ऐसा इंसान है जिसमें हया की कमी है और उसकी अकल भी औरतों जैसी होगी।